कहते हैं कि पूरी श्रद्धा और सच्चे दिल से की गई मनोकामना का पूरा होना उतना ही निश्चित है जितना कि रोज सुबह सूर्य का उदय होना। महत्व इस बात का नहीं है कि आपकी मनोकामना क्या है, महत्व इस बात का है कि आपने जो मनोकामना की है उसके लिए आपका भगवान पर कितना अटूट विश्वास है, आपकी श्रद्धा कितनी सच्ची है और आपके अंदर कितना सब्र है। जिस तरह परिवार को पालने के लिए प्रतिदिन काम करना पड़ता है, उसी तरह भक्ति में भी इंसान को काम करना पड़ता है। वो है निरंतर भगवान का ध्यान करना और उन पर विश्वास बनाए रखना। जिन लोगों की मनोकामनाएं पूरी नहीं होती उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है भगवान पर उनका अटूट विश्वास का ना होना और ना ही सब्र का होना। जिसका भगवान पर अटूट विश्वास होता है और जो हमेशा धैर्य रखता है कि भले ही देर लग जाए पर उसकी मनोकामना जरूर पूरी होगी, ऐसे भक्त की भगवान हर एक मनोकामना पूरी करते हैं। जब आपकी मनोकामना पूरी होने वाली होती है तो आपका भगवान पर विश्वास बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इतना विश्वास शायद आपको पहले नहीं था। आपका मन बहुत सकारात्मक हो जाता है, आपका मन भगवान की ओर खींचा चला जाता है। आपको बार बार ये महसूस होता है कि आपके साथ कुछ बहुत ही अच्छा होने वाला है। आपका मन बार बार भगवान को याद करने का होता है, उनकी पूजा करने का होता है और उनको देखने का होता है। मन बस यही बोलता है कि मुझे अपने भगवान पर पूरा विश्वास है, वो मेरी बात जरूर सुनेंगे। जब आपका भगवान पर विश्वास और ज्यादा बढ़ने लगे तो समझ लीजिए कि आपकी मनोकामना पूरी होने वाली है। आपको अपने साथ हमेशा एक सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव होता है। जिस तरह अच्छा समय आने से पहले भगवान हमें कुछ संकेत देते हैं और हमें एहसास हो जाता है कि हमारा अच्छा समय बहुत ही जल्द आने वाला है, उसी तरह जब आपकी कोई मनोकामना पूरी होने वाली होती है तो आपको अपने अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव होता है कि मेरे साथ कुछ तो अच्छा होने वाला है, या जो मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ वो जल्दी ही मुझे मिलने वाला है। आपके अंदर की नकारात्मकता खत्म होने लगती है और आप बस अच्छा और सकारात्मक सोचते हो, जिस वजह से आपको अपने साथ हमेशा एक सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव होता है। जो आखिरी और महत्वपूर्ण संकेत है वो ये है कि आपकी जो भी मनोकामना है उसके मार्ग में जितनी भी बाधाएं हैं वो दूर होने लगती हैं। कई बार हमारी मनोकामनाएं इसलिए पूरी नहीं हो पाती या उन्हें पूरी होने में बहुत ही ज्यादा समय लग जाता है, क्योंकि हमारे जीवन में बाधाएं ही ऐसी आ जाती हैं कि जो हमने मांगा होता है वो नहीं मिल पाता। जब आपकी मनोकामना के मार्ग में कोई भी बाधा नहीं रहती और भगवान की कृपा आप पर हो जाती है तो आपकी मनोकामना स्वयं ही पूरी हो जाती है। अगर ये तीन संकेत आपको मिलते हैं तो भगवान का शुक्रिया अदा करें कि उनकी कृपा से आपकी मनोकामना पूरी होने वाली है।